एक कंपैरिजन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में और लिब्रा बेस डेटाबेस में, यानी कि जो लिनक्स का फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड के लिए अवेलेबल है नेट पे, लिब्रा बेस डेटाबेस उसमें और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, दोनों में ही कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिब्रा बेस डेटाबेस को ओपन करूंगा। देखिए ये लिब्रा बेस डेटाबेस हमने ओपन कर लिया है, यहाँ पर क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू आ रहा है, ये डिजाइन व्यू में जाकर के हम टेबल बना सकते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे एक ऐसा सिनेरियो आपके सामने आ जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर जो भी आप आईडी वगैरह जो भी देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, लिखता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पर स्टूडेंट का नेम आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा टाइप है, अलग अलग डेटा टाइप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप ही मैं रहने देता हूँ। ओके, और यहाँ पर ये हुआ फिक्स्ड कैरेक्टर, तो आप फिक्स्ड कैरेक्टर के जगह यहाँ पर कुछ और भी यूज कर सकते हैं, लाइक ये कर सकते हैं टेक्स्ट वेरकैर, तो ये हमने कर लिया। और यहाँ पर आकर के फिर यहाँ पे सिटी लिखता हूँ, स्टूडेंट की जो सिटी है उसका नाम यहाँ पे आएगा। ओके, फिर यहाँ पे आता हूँ, स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो यहाँ पे आएगा। ओके, इस तरीके से हमने ये यहाँ पे एंटर करा डेटा, तो आप देख सकते हैं ये डेटा टाइप किस तरह से आ रहा है, और यहाँ पर क्लिक करेंगे ये सेव हो जाएगा। ठीक है, अब सेव होने के बाद यहाँ कोई प्राइमरी की तो हमने दी नहीं, तो जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ टेबल वन आ रहा है। चलिए टेबल वन के ही नाम से इसको कर लेते हैं सेव, ओके प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है नो प्राइमरी की, अगर आप प्राइमरी की असाइन कर देंगे तो फिर प्राइमरी की आपको नहीं देनी पड़ेगी, अगर नहीं असाइन करते हैं तो ऊपर अपने आप यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे तो बाई डिफॉल्ट आईडी नाम से एक प्राइमरी की इंसर्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर आईडी नाम से एक प्राइमरी की आ चुकी है, और ये देखिए ये प्राइमरी का की का सिंबल है, ऐसा ही आप एक्सेस में भी देखते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं अपने मन से प्राइमरी की बनाऊंगा, इस प्राइमरी को मैं कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पर हम कर लेते हैं रोल नंबर को बना लेते हैं प्राइमरी की, तो रोल नंबर पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिएगा आपको प्राइमरी की, तो यहाँ से प्राइमरी की पे क्लिक कर दीजिए माउस से, और बस ये काम हो गया। अब इसको सेव करना है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है आईडी नाम की जो प्राइमरी की थी वो अफेक्टेड हो जाएगी, तो कोई बात नहीं, हमने तो उसको हटा ही दिया है, तो यहाँ से ओके प्रेस कर दीजिए, और अब यहाँ से इसको क्या करना है, क्लोज करना है। तो जैसे ही क्लोज करेंगे तो यहाँ पर आपको टेबल वन दिख जाएगी, और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से टेबल वन आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर कुछ फिल कर सकते हैं डेटा, फिलहाल इसको क्लोज करता हूँ, वापस से आ जाता हूँ डिजाइन व्यू पर, तो यहाँ से आकर के इसको एडिट कर लेंगे डिजाइन व्यू मोड में, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं दो सब्जेक्ट का नाम, लाइक मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर। ठीक है, आपको दिखाने के लिए कि इसमें ऐड कैसे करेंगे, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं इंग्लिश, ये दो सब्जेक्ट मैंने ले लिया, और यहाँ पर लास्ट में टोटल हम करेंगे, तो यहाँ पर कर सकते हैं आप टोटल। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर इसको रखेंगे इंटीजर रख सकते हैं या डेसिमल रख सकते हैं, नंबर रख लेते हैं सबसे अच्छा। ठीक है, और यहाँ पर जाकर के यहाँ पर भी इसको रख लेते हैं नंबर, तो इन दोनों को रख लिया नंबर, और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ये सेव हो जाएगा। और फिर सेव होने के बाद क्या करना है, सेव होने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद क्या करना है, क्लोज करने के बाद क्वेरी बनानी है इसके लिए। क्वेरी कैसे बनेगी, क्वेरी पे जाइए और यहाँ से क्वेरी डिजाइन पर आप आ सकते हैं, यहाँ से एसक्यूएल व्यू को ओपन कर सकते हैं। मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एसक्यूएल व्यू पर काम करना सिखाया है, इसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम चलते हैं क्रिएट क्वेरी डिजाइन, तो ये यहाँ पे टेबल हमने बनाई थी वो यही टेबल है, इसको ऐड करवा देते हैं। अब देखिए इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी होता है, आपने देखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की तो बहुत सारी वीडियोज में बना चुका हूँ। अब इन सारे फील्ड्स को हमें लेके आना है। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे डबल क्लिक करते जाइए, एक एक फील्ड आती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, इस तरह से आपने देखा कि ये सारे जो फील्ड्स हैं यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। अब करना क्या है, हमें यहाँ पर लिखना है टोटल, हेडिंग क्या देना चाहते हैं हम, टोटल, तो यहाँ पर आपको अलियाज में आकर के लिखना होगा टोटल, और ऊपर जाइए यहाँ पर देख रहे हैं ये, यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे टोटल करने के लिए आपको डबल इंटेड कोर्स में लिखना होगा सब्जेक्ट का नाम। वहां पे क्या करते थे, वहां पे हम लिखते थे स्क्वायर ब्रैकेट में, यहाँ डबल इंटेड कोर्स में, और प्लस का निशान लगाइए, इस तरीके से प्लस का निशान लगा दीजिए, थोड़ा इसको विड्थ बढ़ा लेता हूँ, अच्छे से दिखाई भी पड़ेगा आपको इस तरीके से। तो आप देखिए ये टोटल यहाँ पे आ गया है, टोटल नहीं करना है हमें, हमें क्या करना है, हमें करना है इंग्लिश का मार्क्स ऐड करना है, तो ये इंग्लिश लिख दिया हमने डबल इंटेड कोर्स में इस तरीके से। अब इसको क्लोज करके और यहाँ से सेव पे क्लिक कर दिया, ये सेव हो जाएगी क्वेरी। देखिए क्वेरी वन के नाम से ये सेव हो गई क्वेरी। अब यहाँ से बाहर आ जाते हैं, अब इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये दोनों ही जुड़ करके हमारे सामने आ चुका है। अब देखिए यहाँ ऊपर में जो हमने दिया था वो नहीं आ रहा है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कंप्यूटर प्लस इंग्लिश, ये लिखा हुआ आ रहा है,
तो हम चलते हैं वापस से इसको सही कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक किया और वापस से चलते हैं कहाँ, इसको एडिट कर लेते हैं, यहाँ से एडिट हो जाएगा। ये जो लिखा हमने कंप्यूटर प्लस इंग्लिश, ठीक है, इसको यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अलियाज में यहाँ पे मैं दे देता हूँ टोटल, टी ओ टी ए एल, तो यहाँ पे टोटल दे दिया। अब इसको सेव कर देता हूँ और फिर इसको क्लोज करता हूँ। अब इसको दोबारा से ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ टोटल भी आ रहा है। अब यहाँ पर जब जाएंगे आप, जैसे मान लीजिए लिखा शुभम इस तरीके से, और यहाँ पर आए और यहाँ पे मान लीजिए सिटी तो देवरिया है तो देवरिया कर देते हैं, जो भी आपकी सिटी हो वो दे सकते हैं। और यहाँ रोल नंबर 2 है, ठीक है, और इन्होंने पाया 67 फर्स्ट सब्जेक्ट में और 89 सेकंड सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे जैसे ही हटेंगे यहाँ से तो यहाँ टोटल हो के आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे लिखता हूँ दुर्गेश, तो यहाँ लिखा दुर्गेश ये इस तरीके से, और यहाँ पे लिख दिया देवरिया। ओके, तो ये तरीका है लिब्रा बेस डेटाबेस में कैलकुलेट करने का। इसमें भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर लिनक्स में यूज होता है, ठीक है। अब देखिए ये 3 लोगों का मार्क्स हमने ऐड करा दिया, अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे चौथे पर तो ये इसका भी एडिशन होकर आ जाएगा अपने आप, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इस तरीके से ये हम कर सकते हैं, इसको क्लोज करता हूँ अभी। तो ये एक क्वेरी बन गई हमारी। क्वेरी बनाने के बाद देखा आपने किस तरह से हमने ये कैलकुलेट करके दिखाया आपको। अब यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद क्या करेंगे, क्लोज करने के बाद अब हम चलेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे, थोड़ा एक्सेस पे भी देख लिया जाए कि ये किस तरह से हो रहा है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर रखा है मैंने, यहाँ से न्यू डेटाबेस लेंगे, तो यहाँ से फाइल पे जाएंगे, ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, न्यू ले लेंगे, फाइल लेंगे हम, और ये न्यू ब्लैंक डेटाबेस लेकर के और यहाँ क्रिएट पर कर देंगे क्लिक। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आएगी, यहाँ पर जाएंगे और ये टेबल 1 ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे आईडी आ रही है, तो मान लीजिए कि स्टूडेंट की आईडी हो सकती है, रोल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिख देता हूँ, तो यहाँ टाइटल दे देंगे स्टूडेंट, जैसे वहां पर दे रहे थे नेम, ठीक है, दोनों में कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ। अब ये टेक्स्ट डेटा टाइप हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डेटा टाइप की कितनी ज्यादा वहां पे वैरायटीज थी, यहाँ पे देखिए कितना है, बस इतना ही है डेटा टाइप, ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो मान लीजिए एक सब्जेक्ट था कंप्यूटर और दूसरा सब्जेक्ट था इंग्लिश, तो यहाँ पर भी ले लिया कंप्यूटर और यहाँ पे लेंगे इंग्लिश, तो यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे, नंबर डेटा टाइप रखेंगे, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। टेक्स्ट डेटा टाइप से आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट टेक्स्ट रख देते हैं, ये तो टेक्स्ट ही रहेगा, यहाँ पे नंबर रहेगा और ये नंबर रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे टोटल भी करेंगे हम, तो यहाँ पे टोटल भी लिख देता हूँ, इस तरीके से टोटल लिख दिया और यहाँ पे आए और ये जो है इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ इस तरीके से, तो ये आ गया इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, क्वेरी बना लेते हैं, क्योंकि विदाउट क्वेरी यहाँ पे टोटल करके देगा नहीं हमें, तो यहाँ क्रिएट पे चलते हैं और एक क्वेरी डिजाइन यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और जैसे ही क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन होगी, यहाँ से ऐड करवा दीजिए, ऐड करवाने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए, डबल क्लिक कीजिए इस पे, सब एक ही बार में आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आकर के, और फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है, ये यहाँ पर आपको आकर के कोलन लगाना है, ठीक है। वहां पर कोई कोलन नहीं, कुछ नहीं था, यहाँ पर आएंगे स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, तो वहां पर क्या था, डबल इंटेड कोर्स था, यहाँ पे क्या स्क्वायर ब्रैकेट, तो कंप्यूटर को ऐड करेंगे और इंग्लिश को ऐड करेंगे, यही वो सब्जेक्ट है, अगर और भी कोई सब्जेक्ट होगा तो उसको भी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। ऐसी ऐसी बहुत वीडियोस मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में पहले बना चुका हूँ, लेकिन लिब्रा कैल्क लिब्रा बेस डेटाबेस को लेकर के अभी वीडियोस इतनी ज्यादा बनाई नहीं है मैंने, तो उसको भी दोनों को एक साथ कंबाइन करने की कोशिश की है मैंने यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नेम आ रहा है, तो स्टूडेंट नेम कैसे देंगे, यहाँ पे देंगे जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे दे दिया राम, आर एम राम दे दिया, और यहाँ पे आएगा कंप्यूटर का मार्क्स, तो 45 कर दिया, फिर यहाँ पे 78 कर दिया, लाइक देखिए यहाँ पे टोटल आ गया, फिर यहाँ पे कर दिया सुरेश, तो इस तरीके से ये कर दिया हमने, और फिर यहाँ पे लिखा 67 88, तो यहाँ पे देखिए टोटल हो गया क्या, तो इस तरीके से आप ये यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे जाइए, फिर यहाँ पे लिखा सुरभि इस तरीके से, और फिर यहाँ पर आके फिर यहाँ पे कर दिया 88, फिर यहाँ कर दिया 89, लाइक दिस। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से कुछ हम ये ऐड करवा सकते हैं बहुत ही इजीली, नो प्रॉब्लम। आपको इसमें आई होप कि कोई दिक्कत अब नहीं आएगी, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। क्वेरी को मैं सेव कर देता हूँ। क्वेरी को सेव करने के बाद अब दोनों देखिए, ये तो आपने देख ही लिया, और दूसरा जो इसके पहले मैंने दिखाया लिब्रा बेस डेटाबेस, वो भी आपने देख लिया। अच्छा, लिब्रा बेस डेटाबेस के फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, ये लिब्रा बेस की फाइल है, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, एक प्रॉपर्टी की विंडो ओपन होगी, हो चुकी है, नीचे देखिए प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द फाइल द टाइप ऑफ फाइल, तो ये देखिए .odb आया हुआ है, तो इसके फाइल की एक्सटेंशन होती है .odb, ठीक है। अब बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, इस पर भी राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज पे, और यहाँ पे देख सकते हैं इसके फाइल की एक्सटेंशन होती है .accdb, विथ प्रूफ दिखा रहा हूँ .accdb, तो ये डिफरेंस भी एक होता है जो कि इन दोनों के बीच में होता है। बाकी बहुत सारी चीजों में समानता भी है, सिमिलरिटीज भी है, आपने देखा,
वीडियो के दौरान। आगे चल करके और भी वीडियोस आती रहेंगी, अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगे तो इसे शेयर कर सकते हैं।